हमारे यहां पे शायद ये सोच नहीं पाए, लेकिन मैंने कई बार सोचा, बताया भी कि शायद कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। तो आप लोगों की हम कुछ टीम बनाएंगे बच्चों की, स्पेशली साइंस के बच्चे खुद आगे आना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना, और इनिशिएटिव लेकर के काम करना चाहिए। तो किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में, एरियाज में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो तीन बातें हैं, नंबर वन दबाव, नंबर दो प्रभाव, और नंबर तीन स्वभाव। ठीक है, एक टाइप के वे लोग होते हैं, जब तक उनको कोई ऊपर से प्रेशर ना आए, दबाव ना पड़े, तब तक किसी काम के बारे में सोचते ही नहीं है, डरते ही नहीं है, है ना। और जैसे ही प्रेशर थोड़ा कम हुआ या बंद हुआ, फिर वैसे ही हो जाता। आपने ऐसा दबाव का वाला स्वभाव इस तरह का कई लोगों का देखा होगा, समाज में देखने को मिलता है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत बनाई। जब तक कोई प्रेशर नहीं आएगा, जब तक कोई दबाव नहीं आएगा, जब तक कोई हमें इंस्टिगेट नहीं करेगा, जब तक कोई हमें क्या बोलना चाहिए कि जबरदस्ती धक्का नहीं मारेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप में से सब लोगों का या कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है क्या, हम खुद सोचे, चाहे होमवर्क क्लास वर्क करना हो, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर बताना हो, है ना, हम जैसे थे वैसे ही अगर रहेंगे, है ना। एक न्यूटन का एक लॉ है ना, उस लॉ को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये फर्स्ट लॉ है जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, है ना, कि कोई भी मास यूनिवर्स में जिस सिचुएशन में जैसा गति कर रहा है, वो वैसा ही उसी स्थिति में तब तक वैसा ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर प्रेशर न डाला।